आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने आपके लिए आज टॉपिक लिया हुआ है ईथर, क्रियात्मक समूह पर आधारित। ठीक है, क्रियात्मक समूह पर आधारित रसायन। बच्चे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट में से एक है। ईथर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और विगत एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। तो बच्चों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे ईथर क्या होते हैं। चलिए देखिए, समझिए ईथर। बच्चों, मैं आपको डेफिनेशन सबसे पहले बताने जा रहा हूं। जब हम किसी जल के एक अणु से दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को दो एल्किल मूलकों, या हम सब हिंदी में बोले तो समूह, एल्किल मूलकों द्वारा क्या करते हैं बच्चों, प्रतिस्थापित, है ना, प्रतिस्थापित कर नवीन, इसका मतलब है नया, यौगिक प्राप्त कर ले, प्राप्त कर ले, तब प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे बच्चों, ईथर कहलाते हैं। बच्चों, ये ईथर की बहुत साधारण सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है, जिसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपके सामने लूंगा। तो जल का एक अणु है HOH। ठीक है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं इससे दो हाइड्रोजन के परमाणुओं को रिमूव कर रहा हूं ना, ये वाले हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से प्रतिस्थापित कर देता हूं, अलग कर देता हूं। ठीक है, इनको मैं अलग कर देता हूं, तो इसलिए मैंने -2H लिख दिया। और मैं दोनों हाइड्रोजन पर, जहां से हाइड्रोजन हटेंगे वहां पे दो एल्किल रेडिकल यानी R वाले भाग को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो जो यौगिक होगा वो इस तरह से दिखेगा, ROR। ठीक है, प्लस दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, तो ये जो यौगिक आपको प्राप्त होगा, इस यौगिक को आप क्या कहने वाले हो, ईथर। ठीक है, ये ईथर है बच्चों। इसके अलावा भी ईथर की डेफिनेशन और भी चलती है, तो ईथर की दूसरी परिभाषा देखिए। ठीक है, अन्य परिभाषा, मैं ये केवल आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको एक से ज्यादा डेफिनेशन मिलेगी, तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना, इसलिए मैं आपको एक अनदर डेफिनेशन भी ले लेता हूं। बच्चों, अगर मैं एथिल एल्कोहल की बात करूं, ठीक है, या एल्काइल एल्कोहल की बात करूं, तो ROH, मैं एल्कोहल के एक अणु से अगर एक हाइड्रोजन को एक एल्किल रेडिकल से प्रतिस्थापित कर दूं, देखिए इस, ध्यान से देखिएगा, अगर इस एक एच को मैं एक एल्किल रेडिकल से प्रतिस्थापित कर दूं, इस एच को हटा के इस पर एल्किल रेडिकल जोड़ दूं, तो कंपाउंड हो जाएगा ROR। ठीक है, और H जो होगा वो रिमूव हो जाएगा या किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके अलग हो जाएगा। तो अगेन बच्चे, ये जो कंपाउंड मिलेंगे, इन कंपाउंड के आप क्या बोलोगे, ईथर बोलोगे। एक डेफिनेशन और भी है बच्चों, और वो अन्य परिभाषा ही मान्य होगी, उसको भी देख लीजिए बच्चों। अगर मैं अल्कोहल के दो अणु ले लूं ROH, और फिर से मैं ले लूं HOR, सेम चीजें हैं, और अल्कोहल के दो अणुओं से अगर मैं जल के एक अणु को क्या कर दूं बच्चों, प्रतिस्थापित कर दूं ना, देखिए अगर यहां से ये HOH इस H के साथ रिएक्ट करके अगर जल का एक अणु निष्कासित हो जाए, निकल जाए, तो शेष जो भाग होगा ये वाला R इस OR के साथ जुड़ जाएगा और हमको कंपाउंड दिखेगा ROR। तो बच्चों, इस तरह से ये जो कंपाउंड आपको मिल रहा है ये ईथर है। एक अन्य परिभाषा और भी चलन में है, और वो भी देख लीजिए बच्चों। अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन का परमाणु हो और एक ऑक्सीजन के परमाणु पर अगर मैं दो एल्किल रेडिकल को जोड़ दूं, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा ROR, ये कंपाउंड भी ईथर कहलाएगा। तो बच्चों, ईथर की चार परिभाषाएं थी जो चलन में थी, मैंने आपको चार की चार परिभाषाएं आपके सामने रख दी। जो भी आपको ज्यादा सार्थक लगे, जो भी आपको ज्यादा ईजी लगे, वो आप अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं। बच्चों, मैं यहां पर आपको अगले टॉपिक के साथ लेकर चलूंगा, और वो है मेरा टॉपिक ईथर के प्रकार। तो ध्यान से देखिएगा ईथर के प्रकार, ईथर के प्रकार।
बच्चे सामान्यता जो ईंट है ना वो दो प्रकार के, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा ठीक है और समझिए। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं सरल ईथर या सममित ईथर। बच्चों मैंने जो डेफिनेशन दी उस डेफिनेशन को आपको अपनी जगह पर रखना है, सिर्फ आप समझ लीजिए कि जब मैं आपको बता दूं कि ईथर आर ओ आर है ठीक है, ईथर का जो रासायनिक फॉर्मूला मैंने आपके सामने क्रिएट किया ना बच्चों, अगर वो मैं आपके सामने वापस रख रहा हूं तो ईथर का जो जर्नल फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा आर ओ आर, आप यहां पे ध्यान दीजिए कि जब ईथर में एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दो एल्किल रेडिकल ना दोनों ही एक जैसे हो ठीक है, दोनों आर हो, तो इस प्रकार के ईथर को हम बोलेंगे सरल ईथर। समझने के लिए उदाहरण बहुत जरूरी हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं बोलूं कि आर की जगह में सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, तो आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दो एल्किल रेडिकल दोनों एक जैसे हैं। तो इस तरह से जो पहला एग्जाम्पल ये सरल ईथर को व्यक्त करता है। दूसरा देखिए बच्चों, मैंने ले लिया सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, फिर से बच्चों एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए दोनों एल्किल रेडिकल एक जैसे हैं, सरल ईथर है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए सी सिक्स एच फाइव ओ सी सिक्स एच फाइव, फिर से बच्चे एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए दोनों एल्किल रेडिकल एक जैसे हैं, तो ये सभी सरल ईथर की श्रेणी में आएंगे ठीक है। होप सो आपको सरल ईथर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे चलता हूं और जल्दी से आपको मिश्रित ईथर बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों देखिए मिश्रित ईथर के बारे में, मिश्रित ईथर बच्चों मिश्रित ईथर में जब ईथर के सूत्र को मैं आर ओ आर के रूप में लिखूंगा, तो ध्यान से समझने वाली बात है कि आर ओ आर मिश्रित ईथर में एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दो एल्किल रेडिकल में एक जो एल्किल रेडिकल होगा वो भिन्न होगा है ना, इसलिए मैंने एक के ऊपर क्या लगा दिया, मैंने डैश लगा दिया। उदाहरण के तौर पर जब हम इसको समझेंगे तो बच्चों आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं बोलता हूं कि अगर मैंने ले लिया सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव, तो आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दो एल्किल रेडिकल में दोनों एल्किल रेडिकलों में पर्याप्त भिन्नता है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लीजिए, मैंने ले लिया सी सिक्स एच फाइव ओ और मैंने ले लिया सी टू एच फाइव, तो एक ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल रेडिकल जुड़े हुए दोनों भिन्न भिन्न है। मैं कोई तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ बेटो, तो सी एच थ्री एच सेवन ओ और फिर मैंने ले लिया सी एच थ्री, तो बच्चे एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दो एल्किल रेडिकल ये भी भिन्न भिन्न है। तो इस तरह से बच्चे ये मिश्रित ईथर होंगे जबकि एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होते हैं। तो होप सो आपको मिश्रित ईथर भी समझ में आ गया होगा। बच्चों जल्दी से आपको ईथर के साधारण नाम मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो ईथर के साधारण नाम लिखने का तरीका देखिए। ईथर के साधारण नाम, लिखने के नियम या आप कह दो कि कैसे लिखते हैं वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों मैं उदाहरण के तौर पर बहुत सिंपल सी बात लेता हूं कि CH3O CH3। जब बच्चों आप सरल ईथर में होंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल रेडिकल एक जैसे हैं है ना, तो कितने बार एल्किल रेडिकल, दो बार। तो बच्चे दो के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं डाई, क्या जुड़ रहा है डाई बार CH3 को आप बोलते हैं मैथिल, तो ये हो जाएगा डाई मैथिल, और ऑक्सीजन के लिए पीछे आप क्या लिख देते हैं ईथर, तो ये हो जाएगा डाई मैथिल ईथर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चे C2H5O C2H5, फिर वही चीज एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल रेडिकल एक जैसे हैं, दो बार इसे दो के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे डाई, क्या जुड़ रहा है डाई बार C2H5 को आप बोलते हैं एथिल, किसके साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए आप पीछे लिख देंगे ईथर। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लीजिए बच्चे, अगर मैंने ले लिया C6H5O फिर मैंने ले लिया C6H5, बच्चों C6H5 को आप बोलते हैं फेनिल, एक ऑक्सीजन से फेनिल कितने बार एसोसिएटेड है, दो बार है ना, तो दो के लिए आप लिख देंगे डाई, फिर C6H5 के लिए पीछे आप लिख देंगे फेनिल और ओ के लिए आप पीछे लिख देंगे ईथर। तो बच्चों इस तरह से साधारण ईथर के नाम लिखना बहुत आसान होता है, मिश्रित ईथर के नाम लिखने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो जल्दी से देखिए कुछ उदाहरण, उदाहरण के तौर पर अगर मैं चौथा एग्जाम्पल ले लूं, मैंने ले लिया C6H5O CH3, तो बच्चे जब मिश्रित ईथर होगा तो आपको सबसे पहले यह चयन करना पड़ेगा कि एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो दो एल्किल रेडिकल जुड़े हैं दोनों में छोटा समूह कौन सा है, जो छोटा समूह होगा पहले उसका नाम एल्किल मूलक के रूप में लिख दीजिए, तो छोटे समूह को आप बोलेंगे मैथिल, फिर बड़े वाले समूह का नाम लिख दीजिए फेनिल, और बच्चों दोनों एल्किल रेडिकल के नाम के बाद ऑक्सीजन के लिए पीछे लिख दीजिए ईथर, इस तरह से ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, मैंने ले लिया C2H5O और मैंने ले लिया CH3,
मिश्रित ईथर है, फिर से चयन कर लीजिए कौन सा छोटा, तो एक ऑक्सीजन के साथ दो समूह जुड़े हैं तो CH3 वाला भाग छोटा, C6H5 है ना। फाइनली एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दो पक्ष हैं, कौन सा छोटा, तो ये वाला पक्ष छोटा, इसको हम बोलेंगे एथिल, तो मैंने सबसे पहले एथिल लिख दिया, फिर मैंने एक तरफ देखा तो दूसरी तरफ है फेनिल, और ओ के लिए मैंने पीछे लिख दिया ईथर। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको आज एक ईथर की बहुत छोटी सी आपको जानकारी दी। बच्चों मैं अगली क्लास में ईथर के कुछ और भी टॉपिक्स आपके साथ लेकर आऊंगा, जिसमें हम ईथर को बनाने की विधियां और इससे रिलेटेड समावयवता का अध्ययन भी करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।